हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर में बहुत ही ये प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पायदान बनाने के लिए मैंने इसमें 9 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है, और ये फ्रेंड्स 2 कलर के मेरे पास वूल है, तो इससे मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे में बिल्कुल ही आपको आसान तरीके के फंदे बताऊँगी। ये देखिए, हम यहाँ पर एक स्लिप नोट लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे आप इसे टाइट कर लीजिए। राइट हैंड में निडल हम पकड़ लेंगे, लेफ्ट में अपना थ्रेड ले लेंगे, और इस तरीके से हम फंदे डाल लेंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसमें 14 फंदे और डाल लेती हूँ। 24 फंदे पे मैं आपको बताऊँगी इस डिज़ाइन को। तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, 24 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब 24 फंदे डालने के बाद देखिए, फर्स्ट रो से ही हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे मैं दूसरी निडल पर ऐसे ही बिना बनाए उतार लूँगी। और ये देखिए, ये ऊन मेरे पास पतली थी फ्रेंड्स, तो मैंने इसको डबल कर रखा है। आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हो। अगर साड़ी और चुन्नी से आपको डिज़ाइन बनाना है, और अगर आपको बनाना नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ये देखिए, सारी रो में इसी तरीके से बेसिक रो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फर्स्ट रो है, तो इसको आप आराम से बनाइएगा। फिर ये ऊपर बहुत ही जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए, 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे, ऐसे ही उतार लिए थे, बनाया नहीं था उनको, और 2 फंदे मैं लास्ट में ये छोड़ दूँगी, बनाएंगे नहीं, पलट लूँगी यहीं से। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, और इस साइड से भी मैं इस रो को इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। कलर कंट्रास्ट आप इसमें अपने हिसाब से लगाइएगा। देखिए, और जो 2 फंदे फ्रेंड्स हमने इस साइड के बिना बनाए उतारे थे, उनको हम बनाएंगे नहीं। ये देखिए, यहीं तक हम बनाएंगे, और यहीं से हम मुड़ जाएंगे, और इस साइड से 2 फंदे फिर से हम बिना बनाए उतार लेंगे। तो 4 फंदे हमारे इस साइड हो गए। एक बार देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं दोनों साइड 10-10 फंदे इसी तरीके से 2-2 करके 5 बार इस साइड छोड़ दूंगी, और 5 बार इस साइड छोड़ दूंगी। 24 फंदे हैं, 4 फंदे मैं बीच में रखूंगी, तब तक मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, 2 हमने इस साइड छोड़ दिए, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। 10 इस साइड, 10 इस साइड, 4 फंदे बीच में बच जाएंगे, तब तक मैं इसको इसी तरीके से बना लेती हूँ। आप भी बना लीजिए, फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँ। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने 10 फंदे 2-2 करके छोड़ दिए हैं। ये देखिए, आपको अलग से दिखाई देंगे, 4 फंदे बीच में बचे हुए हैं, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 10 फंदे ये इस साइड मैंने छोड़ दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फंदे डाले थे, ये हमारी सीधी साइड है, एक जैसा है दोनों साइड से, लेकिन ये हमारी बैक साइड है। तो हम ये पलट लेंगे, ये 4 फंदे हैं। यहाँ पे मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। आपके पास कोई भी कलर हो, जो भी आपने लगाना है वो आप इस साइड से लगा लीजिए। इसकी आप ऐसे टाइट कर लीजिए, इसको ऐसे दबा लीजिए अंदर। ये देखिए, 2, 3, ये 4 हम बना लेंगे,
स्किन में हमने अपना कलर लगा लिया और दो फंदे हम इस साइड से ऐड कर लेंगे। अब दो दो फंदे हमने छोड़े थे और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, अब हम इसमें दो दो फंदे दोनों साइड से ऐड करेंगे ब्लैक कलर से। पलट लेंगे, दो फंदे हम इस साइड से नीडल में ले लेंगे और हम ऐसे बना देंगे। दो फंदे इस साइड से ले लिए हमने, तो हम इस साइड से ले लेंगे। और अगर फ्रेंड्स आपको इसमें गैप लगे तो आप ऐसे फंदा उठाइए और ऐसे दो का एक कर दीजिए। दो हमने साइड से ले लिए, पलट लेंगे। इस कली को हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक बार इस साइड से भी देख लीजिए। इस साइड का भी गैप हम भरेंगे फ्रेंड्स, तो हम इसी साइड से इस तरीके से फंदा हम उठा लेंगे। ध्यान से देखिए, और ये उठा हुआ फंदा भी इसमें ले लेंगे और जो दो हम इसमें ऐड करेंगे वो भी हम इसमें ले लेंगे। ये देखिए, तो एक फंदा तो हम ये सिंगल बनाएंगे और ये दो फंदे हैं हमारे, एक गैप भरने के लिए उठाया था और एक फंदा था, इनका दो का एक कर देंगे। और इसी तरीके से हम दोनों साइड से अपना गैप भरते हुए और दो दो फंदे इसमें ऐड करते जाएंगे, इस कली को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ कली को। इसी तरीके से हमने इसको बनाना है। ये देखिए, फिर से हम फंदा उठाएंगे, ये बाकी के फंदे जो बचे हुए हैं मैं ये इसी तरीके से, ये देखिए चार फंदे इस साइड हैं और हमारे ये इस साइड आएंगे तो दो फंदे और ऐड कर लेंगे, ये चार फंदे इस साइड बच जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इनको दोनों साइड से ऐड करती हुई इस कली को पूरा करूँगी। ये देखिए, इस साइड के मैंने इस बार ये दो फंदे ऐड किए हैं, इस साइड के हमारे ये बच गए हैं। ये देखिए, इस साइड के हमने सारे ही अपने येलो हमारे ब्लैक हो गए हैं। लास्ट वाले फंदे भी मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी। कई बार फ्रेंड्स बिगनर्स को प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कमेंट आते हैं कि मैम हम कैसे बनाएं, इसलिए मैं बिल्कुल जहां पे भी इसमें चेंज आएगा मैं आपको दिखाऊंगी। आधी कली हमने येलो की बनाई है, आधी कली मैंने ब्लैक की बनाई है। ये देखिए, फिर से हम गैप भरने के लिए एक फंदा उठाएंगे और इस साइड, ये देखिए, हम इस पे नीडल पे ये फंदे इस तरीके से ले लेंगे। पहले हम एक बनाएंगे, फिर हम ये दो बना देंगे और ये पूरी रो में इसी तरीके से मैं बना के कंप्लीट करूँ। ये देखिए, इस साइड फ्रेंड्स में आ गई हूँ, पूरी कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस साइड से भी मैं उल्टा उल्टा बनाती हुई ये सारे ही फंदे मैं बना लूँ। ये देखिए, कली हमारे फ्रेंड्स बनके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अभी इसकी ऐसी कटोरी जैसी शेप है, जैसे ये ऊपर बनेगी तो इसकी शेप अपने आप ही बन जाएगी। अब देखिए, जो मैंने नीचे लगाया था अब मैं वो इसमें कलर दोबारा से ऊपर लगाऊंगी। आप इसको थ्रेड को ऊपर भी आप ऐसे अंदर से लेके आ सकते हो। इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी रो मैं येलो से बना लूँगी। तो मैं इसी तरीके से इस साइड से और सीधी साइड से रो बना के मैं यहाँ पे इसको ले आती हूँ, उल्टी और सीधी दोनों तरफ से, ऐसे ही सिंपल सिंपल। ये देखिए, सीधी साइड से भी ये रो मैंने उतार ली। अब देखिए, अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस साइड
इस साइड में एक फंदा घटाऊंगी। ध्यान से देखिए, दो फंदे का मैंने एक कर दिया, एक फंदा मैंने घटा दिया। एक साइड हम फंदे घटाएंगे, एक साइड हम फंदे छोड़ेंगे। इस साइड में दो फंदे छोड़ दूंगी नीचे की तरफ। ये देखिए, दो फंदे छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस पूरी रो को मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, फिर से हम इसे पलट लेंगे और इस साइड से फिर से फ्रेंड हम दो फंदे का हम एक फंदा अपना करेंगे। ध्यान से देखिए, दो फंदे का इसे टाइट कर दीजिए। दो फंदे का एक किया, इसी तरीके से मैं पीछे दो फंदे छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 6 फंदे घटाऊंगी और पीछे मैं 12 फंदे छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी कि ऊपर हमें कैसे बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं। लास्ट का फंदा मैं आपको घटा के दिखाऊंगी। ये देखिए, फिर से हमने 2 का 1 किया। अब हमारे पास देखिए 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे बच गए। 2 हम इस बार छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अगर आप बड़ा बनाओ तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, सेम तरीका है बिल्कुल बनाने का। ये देखिए, एक साइड से हमने घटा ली, पीछे हमने फंदे छोड़ दिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने फंदे बढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ऐसे हम बढ़ाएंगे, ऐसे निडल पे लपेट लेंगे। एक, ये देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया, 3, 4, 5, 6 फंदे थे, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। फ्रेंड्स, ये हमारे 7 फंदे हो गए। 2 फंदे हम आगे से ऐड कर लेंगे। अब तक हमने छोड़े थे फंदे घटाए थे और हमने 2-2 फंदे छोड़े थे। अब हम फंदे बढ़ाएंगे और 2-2 फंदे यहाँ से इसमें वापस ऐड कर लेंगे। एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको। इसी तरीके से हमने अपने 6 फंदे जो घटा रखे हैं उनको हम बढ़ा लेंगे। ध्यान से देखिए, देखिए ऐसे लपेट लिया और हमने अपना दूसरा फंदा बढ़ा लिया। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 फंदे हमने पिछली बार, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए, 6 हमारे पास पहले थे और 2 हमने पिछली बार इसमें ऐड कर लिए थे, 2 हम इस बार ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसका गैप ख़त्म करेंगे, 2 फंदे का 1 कर देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे फ्रेंड्स 2 फंदे बढ़ा लिए, 4 फंदे और बढ़ाऊँगे और इनको हम 1, 2, 3, 4, 4 हमारे ये पीछे 8 फंदे बचे हुए हैं, इनको मैं इसमें एक एक करके ऐड कर लूँगी इसी तरीके से। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ से ये हमने घटाए थे, ये हमने बढ़ा लिए। देखिए कितनी सुंदर हमारी शेप आई है। 2 फंदे हमारे लास्ट में बचे हुए हैं और 1 फंदा मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगी। 5 मैंने बढ़ा लिए हैं। ये देखिए, फिर से हमने लपेट लिया और 1 फंदा हमने बढ़ा लिया। अब देखिए, मैं फंदे काउंट करूँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 फंदे हमारे वापस हमने अपने इसमें कर लिए। ये देखिए, गैप भरने के लिए फंदा उठाया। ये देखिए, एक बार की ये हमारी कली बन के सुंदर सी कंप्लीट हो गई। अब इस साइड से इस रो को मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट करूँगी।
ये देखिए पूरी कली फ्रेंड्स बनके कंप्लीट हो गई है। मैं दूसरी कली की स्टार्टिंग करूंगी। जो फ्रेंड्स हमने ये नीचे येलो कलर लगाया था, अब मैं ऊपर इसकी जगह येलो की जगह ब्लैक लगाऊंगी। ये जो सारा कलर येलो आपको दिखाई देगा, अगली कली में सारा ब्लैक बन जाएगा। ये जो ब्लैक है हाफ कली, ये हमारी खाली येलो बनेगी। तो देखिए यहीं से मैं इस ब्लैक को फ्रेंड्स बैक साइड से ऐसे ऊपर लेके आई थी, साथ साथ इसको आप ऐसे टाइट करके अंदर की तरफ दबा लीजिए। इस रो में मैं कुछ नहीं करूँगी, खाली मैं इसमें कलर चेंज करूँगी। दोनों साइड से ये रो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी, उल्टी साइड से और इस सीधी साइड से। मैं इसके इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का देखिए सीधी साइड से भी मैं इस रो को ऊपर तक ले आई हूँ, ये देखिएगा। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने नीचे की कली बनाई थी, दोनों साइड से हम दो दो फंदे हम छोड़ते हुए 10 फंदे इस साइड से, 10 फंदे इस साइड से, बीच में 4 फंदे हमारे बच जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं इसमें दोनों साइड से फंदे छोड़ के बीच में आ जाऊंगी। 4 फंदे बचने के बाद फिर हम अपना इसमें ऊपर येलो कलर लगा लेंगे। येलो कलर से हम ये हाफ कली बना लेंगे। उसके बाद बनने के बाद फिर से हम जो आपने नीचे लगाया कोई भी कलर, मैंने जैसे ब्लैक लगाया है, फिर इसको मैं ऊपर लगा लूँगी और एक बार हम फंदे अपने घटा देंगे, पीछे की साइड में फंदे छोड़ देंगे। जैसे ये पीछे के फंदे पूरे होंगे और आगे के हमने जितने घटाने हैं, जैसे मैंने 6 घटाए हैं इसमें, उतने ही फिर मैं इसमें फंदे बढ़ा लूँगी और पीछे के फंदे दो दो करके इसमें ऐड कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बनाने का, इसी तरीके से हम इस कली को ऊपर बनाएंगे। तो देखिए 2 फंदे मैंने इस साइड छोड़ दिए हैं और 2 फंदे मैं उस साइड छोड़ दूंगी। इसी तरीके से आपने बनाना है, बिल्कुल सेम तरीका है बनाने का। तो फ्रेंड्स मैं भी इसी तरीके से इसे कंप्लीट करूंगी बनाती हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और साड़ी और चुन्नी से भी आप इसे बना सकते हो। ये देखिए 2 फंदे हमने इस साइड छोड़ दिए, 2 इस साइड। इसी तरीके से हम इस कली को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।